Good morning, students. Today we'll discuss macroeconomics assignment based on money and banking with question number 8. 7 तक हमने discuss कर लिया था last class में. So what is CRR and SLR? CRR क्या है? It refers to the minimum percentage of a bank's total deposits required to be kept with RBI. CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो है जो कि RBI ने लीगलाइज कर दिया है सारे कमर्शियल बैंक्स को कि उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो RBI के पास डिपॉजिट रखना पड़ेगा. SLR क्या है? इट इज स्टैटटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब कि एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स. मतलब कि रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि सारे पहले तो CRR रखिए RBI के पास, उसके बाद आपके पास जो कैश आपके पास जो अमाउंट है उसको एक मिनिमम अमाउंट बताया है कि इतना आपको हमेशा लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना है, मतलब कैश के फॉर्म में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रेडिट कंट्रोल मीन्स. क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? The central bank adopts various measures to control supply of money in the economy, which is called as credit control. Central bank जो है बहुत से तरीके adopt करता है money की supply को control करने के लिए economy में, उसे हम बोलते हैं credit control. Next question है define credit multiplier. तो credit multiplier क्या होता है? Credit multiplier is indicated as K equals to 1/CRR. It indicates the maximum amount of money that the commercial banks can create given their cash reserves with the RBI. मतलब कि क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि कमर्शियल बैंक जो हैं वो कैश रिजर्व देने के बाद अपने जो उनका जो CRR है, कैश रिजर्व है, उससे वो मैक्सिमम कितना पैसा और बना सकते हैं उसे हम बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर. नेक्स्ट है व्हाट आर प्राइमरी डिपॉजिट्स. प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या है? कैश डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स बाय द पीपल इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट्स. जो कैश कमर्शियल बैंक्स के पास पब्लिक ने अपने डिपॉजिट करके रखे हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक. तो सेंट्रल बैंक क्या है? इट इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री. एक एपेक्स बैंक इंस्टीट्यूशन है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री को कंट्रोल करता है. ये सोल एजेंसी होती है फॉर नोट इशूइंग एंड कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन. तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द RBI ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट को जो है फंड्स की ज़रूरत होती है, तो हमें ये पता है कि जो सेंट्रल बैंक है उसका सबसे बड़ा फंक्शन एक क्या है कि इट इज़ बैंकर्स बैंक और इट इज़ बैंकर टू द गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत है तो RBI पे उनको फंडिंग करती है. तो जब गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत है तो उन्होंने अपने सिक्योरिटीज मार्केट में बेचने का सोचा, और ये जो उनकी सिक्योरिटीज मार्केट में सेल या परचेज होती हैं ये गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं करती, वो RBI उनके बिहाफ पर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मॉरल सुएशन. मॉरल सुएशन का क्या मतलब है? इट इज़ लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस to the commercial bank by the RBI to follow its directive. मतलब कि कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा RBI है वो कमर्शियल बैंक्स को कुछ गाइडलाइंस या डायरेक्शंस देता है कि आप इस तरीके से काम करिए. इन्फ्लेशन है तो आप जो लोन है उसे ज़्यादा रेट पर इंटरेस्ट पर दीजिए, डिफ्लेशन चल रहा है तो कम रेट पर आप लोन प्रोवाइड कर दीजिए. तो ऐसे कुछ डायरेक्शंस होते हैं जो RBI कमर्शियल बैंक को टाइम टू टाइम देता रहता है जिसे हम कहते हैं मॉरल सुएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हमारे कौन कौन से थे? पहला है हमारा बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, अकेली एजेंसी है जो इशू करती है नोट. नेक्स्ट है बैंकर टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को कभी भी फंड की ज़रूरत होती है, एडवाइस की ज़रूरत होती है, या कभी अपने बिहाफ पे काम करवाना होता है मॉनेटरी टर्म्स में, पॉलिसी फ्रेम में, तो वो गवर्नमेंट जो है वो RBI से कराती है. नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल. मतलब कि कमर्शियल बैंक को कभी भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो RBI वो प्रोवाइड करती है. लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि कमर्शियल बैंक को या
किसी बड़े बैंक को कभी भी ज़रूरत है फंड्स की और उन्हें कहीं से नहीं अरेंज कर पा रहे हैं तो आरबीआई उनको वो फंडिंग प्रोवाइड करती है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जो भी बैलेंस बनता है वो रहता है आरबीआई, उसको पूरा मैनेज करती है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मतलब कि मनी सप्लाई जो है मार्केट में वो पूरा कंट्रोल करती है हमारी सेंट्रल बैंक। सो हियर वी एंड अप विद द असाइनमेंट बेस्ड ऑन मनी एंड बैंकिंग।